That man, soul leader, the soul. तो यो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। तो बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत है आपका मेटालिक बॉयज पे। और इतने दिन वीडियो नहीं आ पाए क्योंकि एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, बट अब वीडियो रेगुलर आएंगी। एंड आज हम न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सोल ईटर। ये बहुत मस्त एनिमे है एंड जो रेडियंट वाले व्यूअर्स हैं वो टेंशन, मतलब रेडियंट भी साथ में कंटिन्यू करेंगे और साथ में सोल ईटर भी, तो दो एनिमे साथ में आएंगी। और आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इतने दिनों बाद अब आ चुके हैं फिर से एंड वीडियो अब शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एनीमे का इन्फो बताया जाता है कि ये एक दुनिया है जहाँ पे कुछ गंदे घोस्ट रहते हैं और कुछ अच्छे घोस्ट रहते हैं। और जो गंदे घोस्ट हैं, जो कि इंसानों को मार के खाते हैं, उनको मारने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। और ये ऑर्गेनाइजेशन गंदे लोगों को मारती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की भाग रही होती है और उसके पीछे एक बुरा वाला घोस्ट पड़ा होता है और वो अचानक से उसको मार देता है और फिर उसकी सोल निकाल के खा जाता है। फिर एक लड़की उस घोस्ट को देख लेती है और चिल्ला के भागती है, तो वो घोस्ट उसके पीछे भी पड़ जाता है। और लेकिन वहाँ पे एक अनजान सी लड़की आती है और एक लड़का होता है और उनकी आवाज़ दिखाई जाती है, तो वो लड़की वहाँ से बच के भाग जाती है। और यहाँ पे ये लड़का और लड़के बातें कर रहे होते हैं कि ये एक बुरा घोस्ट है और इसको मारना है। तो वो वहाँ पे जो लड़का होता है वो अपने आप को एक वेपन में बदल लेता है स्काइथ में, और वो जो लड़की होती है वो स्काइथ को उससे फाइट करती है घोस्ट के साथ और उसको मार देती है। और उस घोस्ट को मारने के बाद जो उसकी सोल होती है वो ये जो लड़का स्काइथ बनाता है वो खा जाता है। और ये जो लड़का स्काइथ बना है इसका नाम है सोल, और वो जो लड़की है जो इसकी पार्टनर है उसका नाम है माका। और फिर सोल बोलता है कि मेरी 99 सोल मैंने खा लिया, अब मेरा बस एक विच का सोल खाना है तो फिर मैं एक डेथ स्काइथ बन जाऊँगा। और वो लड़की बोलते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोफेसर को देनी पड़ेगी। तो वो एक कांच के पास जाती है और वहाँ पे कुछ नंबर लिखती है और उसका कनेक्शन वहाँ पे हेल या कोई हेवन जगह है जहाँ पे उसके पापा हैं और फिर एक प्रोफेसर उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। और वो उसे बताते हैं कि हमने 99 सोल खा चुके हैं, अब बस एक विच का सोल खाना है और फिर ये जो सोल है वो डेथ स्काइथ बन जाएगा। फिर तभी वहाँ पे माका का पापा आ जाता है और वो भी उस प्रोफेसर के साथ ही ऊपर रहता है और वो ऑलरेडी एक डेथ स्काइथ है। तो वो जो माका का पापा होता है वो सोल को बोलता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ रहने की, क्योंकि वो स्काइथ को सोल को पसंद नहीं करता। और फिर बाद में जो ये लोग चल जाते हैं सोल और माका एक विच की सोल की खोज में। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जो एक विच है वो नहा रही है और अपने मैजिक से वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हिला रही है, ब्रश वगैरह, और उसे नहा रही है। और तभी वहाँ पे माका ऑफ स्काइथ आ जाते हैं, सोल आ जाते हैं और सोल खिड़की तोड़ के वहाँ पे विच के पास आ जाता है और वहाँ पे माका भी आ जाती है। और फिर वो लोग उससे फाइट करते हैं, पर वो विच पावरफुल होती है और वो पहले उसको हरा देते हैं माका को। फिर वो दूसरे राउंड में फिर से जाते हैं कुछ प्लान बना के सोल और माका, लेकिन इस बार भी विच उन्हें हरा देती है। थर्ड राउंड में फिर से जाते हैं लेकिन इस बार भी विच हरा देती है। फिर फाइनल राउंड में वो जाते हैं और उनके बीच में फाइट होती है। और जो वो विच होती है वो सोल को बोलते हैं कि तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो, तुम रहन दो, तुम मेरे पास आ जाओ, तो हम दोनों पार्टनर बन के बाकियों को मारेंगे। और उस विच की ये बात सुन के सोल थोड़ी देर चुप हो जाता है और माका उसे बोल रही थी कि तुम कुछ बोलो, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। और अचानक से जब वो माका गिरने वाली होती है नीचे, तो सोल उसका हाथ पकड़ लेता है पर वो उसे फिर छोड़ देता है। और वो माका को बोलता है कि तुम्हारे साथ अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तुम पतली दुबली से हो और मैं जा रहा हूँ इस विच के साथ काम करने के लिए। तो फिर वो लड़की फिर उदास हो जाती है और बोलती है तुम सब एक जैसे होते हो और तुम सब मरोगे। पर तभी जो सोल होता है ये उसका एक प्लान होता है और वो स्काइथ बन जाता है उस विच के चारों तरफ। और वो माका को बोलता है कि मुझे पकड़ के खींचो, और जैसे ही वो माका उसे पकड़ के खींचती है तो वो जो विच है वो मर जाती है, उसकी सोल निकल जाती है। तो जो सोल होता है वो बोलता है कि ये मेरा एक प्लान था और अब मैं इसे खा के मैं एक डेथ स्काइथ बन जाऊंगा। और जैसे ही वो उस विच की सोल खाता है तो उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है और उसे लगता है कि मुझे पावर मिल रही है, पर उसे पावर नहीं मिलती है। और बाद में देखता है कि एक कैट आ गई है वहाँ पे, वो जो विच थी वो कैट बन चुकी होती है। और वो बोलती है कि मैं तो विच थी ही नहीं, मैं तो एक कैट हूँ और मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं कैट के पास 10 लाइफ होती हैं, तो मेरी अभी एक ही लाइफ गई है, अभी मेरे पास 9 बाकी है।
फिर उन्हें याद आता है कि प्रोफेसर ने कहा था कि 99 सोल्स खा ये नॉर्मल सोल्स खाने के बाद तुम्हें एक विच की सोल खानी पड़ेगी, तभी तुम एक डेथ स्काइट बनते हो बन पाओगे। और लेकिन वो विच के जगह एक कैट का सोल खा लेता है, तब उसके सारे कीड़े किराए पे पानी फिर जाता है और उसे फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा और 99 सोल्स खाने पड़ेंगे और उसके बाद एक विच की सोल खानी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब सारा काम खराब हो गया तो सोल और माका बहुत उदास हो जाते हैं और वो बाइक पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। पर जो विच जो कैट होती है वो अभी भी उनका पीछा कर रही होती है और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम होता है ब्लैक स्टार, वो अपने सोलमेट के साथ होता है जो कि उसका भी उसके वेपन के साथ होता है और उसके साथ बातें कर रहा होता है कि यहाँ पे जो इंसान है वो सोल्स खा रहे हैं और इनको हमें मारना है। और वो आपस में बात करते हैं कि हम दो हैं और ये 100 बंदे हैं। तो यहाँ पे 2 vs 100 होने वाला है और इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइज यही था episode 1 एंड इसका एपिसोड जल्दी आएगा episode number 2। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।